देखो गाइस, आज से 10 दिन पहले YouTube पर बिफोर एंड आफ्टर कलर्स पैलेट रील के ऊपर एक वीडियो अपलोड करा था। उस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सी लोगों का कहना यह था, जनता भाई वीडियो को बनाना तो सीख लिया पर फोटो को कैसे एडिट करेंगे, फोटो के ऊपर ट्यूटोरियल ला, फोटो को भी एडिट करना सिखा, ऐसी बिफोर एंड आफ्टर फोटो को कैसे एडिट करते। तो देखो गाइस, लगभग बहुत सी लोगों का कहना यही था कि ऐसी बिफोर एंड आफ्टर फोटो को कैसे एडिट करें। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बिफोर एंड आफ्टर फोटो को कैसे आप लोग एडिट कर सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फोन के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक देखो गाइस, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के पास ये वाला एप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एप्लीकेशन का नाम है गाइस स्नैपसीड। इस एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर टैप करना है एंड फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। फोटो को ऐड करने के बाद यहाँ से टूल्स सॉल्यूशन पर चले जाना है, देन हीलिंग नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, उसके ऊपर टैप करके यहाँ से आप लोगों को बैकग्राउंड को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। बाकी आप लोग स्क्रीन पर देख ही पा रही हो मैं किस प्रकार से कर रहा हूँ। तो देखो गाइस, ऐसे ही सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट वाला जो जगह है यहाँ से हो जाएगा रिमूव। जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हो अपना जो कैरेक्टर है गाइस यहाँ पर से पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, बाकी सिर्फ और सिर्फ बचा है हमारा बैकग्राउंड, ठीक है। तो ये जो बैकग्राउंड फोटो है गाइस, इस फोटो को अभी आप लोगों को सेव करना है। सिंपल एक्सपोर्ट रिलेशन पर टैप करके सेव आ कॉपी, उसके बाद फोटो को यहाँ से सेव कर लेना। देखो गाइस, स्नैपसीड एप्लीकेशन का काम हो चुका है खत्म। अभी आप लोगों को गूगल या फिर क्रोम ब्राउजर किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ से बटन पर टैप करना है और सिंपली आप लोगों को सर्च करना है Adobe Firefly। सो आप लोगों के सामने एक वेबसाइट आ जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो Adobe Firefly करके, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। सो अभी जो है गाइस यहाँ पर से एक नया इंटरफेस आ चुका है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ऊपर के साइड आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है साइन इन। साइन इन ऑप्शन पर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। अभी यहाँ पर से आप लोगों को सबसे पहले साइन इन कर लेना है, सिंपली कंटिन्यू विद गूगल ऑप्शन पर टैप कर लेना है और जीमेल आईडी के साथ यहाँ पर से साइन अप कर लेना है, ठीक है गाइस। देखो गाइस, यहाँ पर से हो चुका है अपना अकाउंट क्रिएट। बाकी यहाँ पर से आप लोग अपना जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना। डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शन पर टैप कर लेना है और बस Adobe Firefly के अंदर आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा, ठीक है। तो देख पा रही हो यहाँ पर से और एक नया इंटरफेस आ चुका है। नीचे के साइड गाइस आप लोगों को स्लाइड करना है, यहाँ पर से आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है जनरेटिव फील, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। जनरेटिव फील वेलोशन पर टैप करने के बाद यहाँ से एग्री कर लेना है, देन अपलोड इमेज वेलोशन पर टैप करके फोटो लाइब्रेरी और वो जो बैकग्राउंड फोटो है गाइस उसको आप लोगों को सिलेक्ट करके सिंपली कर देना है डन। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ से अपना फोटो हो चुका है ऐड, ठीक है। ऐसे ही फोटो को आप लोगों को ऐड कर लेना है। बाकी यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो, इस फोटो के अंदर आप लोगों को उस पार्ट को सिलेक्ट करना है जिस पार्ट को आप लोग रिप्लेस कराना चाहते हैं। आप लोगों को ये तो पता है ना कि AI के माध्यम से हम लोग फोटो में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर से अभी हम लोग सेम टू सेम उसी प्रकार से ही AI को यूज करके फोटो को रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर से फोटो के अंदर उस पार्ट को सिलेक्ट करेंगे जिस पार्ट को हम लोग करेंगे, तो फोटो के अंदर ऊपर का जो पोर्शन है गाइस पूरा का पूरा यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो गाइस, ऐसे ही फोटो के अंदर जिस पार्ट को आप लोग रिप्लेस कराना चाहते हो उसको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, देन नीचे के साइड आप लोगों को मिलेगा डिस्क्राइब द इमेज यू वांट टू जनरेट, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। अभी टैप करने के बाद गाइस आप लोगों को लिख देना है प्रोमोट। अभी प्रोमोट के लिए गाइस मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, क्योंकि यहाँ पर से आप लोग जिस प्रकार से लिखोगे उसी प्रकार से आपका फोटो बनकर आ जाएगा। लाइक यहाँ से मैं लिखने वाला हूँ क्लाउड्स माउंटेन हिल्स एंड लास्ट में लिख लेता हूँ मैं फोक। तो कुछ इस प्रकार से लिखने के बाद सिंपली आप लोगों को जेनरेट नाम का ऑप्शन मिलेगा नीचे के साइड, जेनरेट वोल्यूशन पर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। अब यहाँ से जेनरेट वोल्यूशन पर टैप करने के बाद नीचे के साइड आप लोग देख पा रही हो प्रोसेसिंग चल रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग के बाद गाइस AI के माध्यम से हमारा फोटो जेनरेट होकर आ जाएगा, बस इधर से आप लोगों को वेट करना है। तो देख पा रही हो गाइस तीन तरीके से हमारा फोटो यहाँ से जेनरेट होकर आ चुका है। लाइक यहाँ पर से आप लोग देख पा रही हो 1 2 3, तो इधर से आप लोगों को जिस फोटो को अच्छा लग रहा है, लाइक यहाँ पर से आप लोग देख पा रही हो हर एक फोटो काफी ज्यादा सही है ना। तो इधर से गाइस सेकंड वाला जो फोटो है जैसे कि आप लोग देख पा रही हो काफी ज्यादा मैच कर रहा है बैकग्राउंड के साथ। तो सिंपली फोटो को सिलेक्ट करेंगे एंड कीप वोल्यूशन पर टैप करेंगे, दैट्स इट। इतना करने के बाद फोटोज के अंदर और भी कुछ रिप्लेस कराना चाहते हो तो गाइस आप लोग फिर से सिलेक्ट करना, लाइक इस एरिया को यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नीचे के साइड डिस्क्राइब इमेज वोल्यूशन पर फिर से टैप करूंगा और यहाँ से कोई से प्रोमोट को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ ब्राउन कलर वुडन बेंच। सो इतना लिख लेने के बाद आप लोगों को डन वोल्यूशन पर टैप कर देना है और जेनरेट वोल्यूशन पर फिर से टैप कर लेना है, ठीक है। देखो गाइस AI का कमाल,
जस्ट कुछ ही समय में हमारा जो फोटो है उसके अंदर बेंज भी ऐड हो चुका है। बाकी यहाँ से आप लोग देख पा रही हो तीनों फोटो काफी ज्यादा सही है, पर फास्ट जो फोटो है गाइस काफी ज्यादा सही लग रहा है। ठीक है, तो फास्ट फोटो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और कीप बलोशन पर टैप कर देंगे। ओके, इतना कर लेने के बाद गाइस फोटो के अंदर और भी कुछ चेंज करना चाहती हो तो फिर से आप लोग एरिया को सिलेक्ट करो, जैसा कि मैं यहाँ से सिलेक्ट करने वाला हूँ। आप लोग गाइस ऐसे ही एरिया को सिलेक्ट कर लेना, पेड़ वगैरह जो भी है आप लोग फोटो के अंदर ऐड कर सकती हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस एरिया को फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सिंपली डिस्क्राइब वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा और यहाँ से प्रोमोट डालूंगा। तो यहाँ से मैं प्रोमोट डाल लेता हूँ हिल्स। ठीक है, बाकी जनरेट वाले ऑप्शन पर टैप करूंगा तो फोटो जनरेट होने लगेगा। तो यहाँ से वेट करते हैं, देखते हैं कैसा बनता है हमारा फोटो। ओके, सो आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पर अभी जो है हमारा फोटो तीन तरीके से बनकर आ चुका है। तो यहाँ से जो है गाइस सेकंड वाला फोटो अभी देख पा रही हो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है, लाइक आप लोग देख पा रही हो एकदम प्रोफेशनल लग रहा है। तो यहाँ से इस फोटो को रख देते हैं और कीप बलोशन पर टैप कर लेते हैं। तो देखो गाइस ऐसे ही मतलब कि एआई के माध्यम से फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको बनाया जाता है सबसे पहले। ठीक है, बैकग्राउंड फोटो को ऐसे ही बना लेने के बाद सिंपली फोटो को यहाँ से सेव करना होता है। अभी ऊपर के साइड आप लोग देख पा रहे हो तीर आइकन दे रखा है, उसके ऊपर टैप करके सिंपली यहाँ से डाउनलोड और उसके बाद कंटिन्यू बलोशन पर टैप करके यहाँ से थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा। प्रोसेसिंग के बाद सिंपली फोटो के अंदर टैप करना है और सेव टू फोटो बलोशन पर टैप करके फोटो को सिंपली सेव कर लेना है। तो ऐसे ही फोटो को सेव करने के बाद उसके बाद पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले तो बैकग्राउंड फोटो को ऐड करना है, बाकी नीचे के साइड ऐड फोटो में जाके आप लोगों को नॉर्मल फोटो को ऐड कर लेना है। सो ऐसे ही फोटो को ऐड करने के बाद फोटो को यहाँ से जूम करो और फ्रेम के हिसाब से एकदम साइज सेट कर लो कुछ इस प्रकार से। बाकी ऊपर के साइड आप लोग देख पा रहे हो ब्रश आइकन दे रखा है, ब्रश आइकन पर टैप करो और यहाँ से आप लोग सिंपली पार्सन सिलेक्ट करो। फोटो के अंदर जो भी बैकग्राउंड रहेगा यहाँ से ऑटोमेटिकली हट जाएगा, लेकिन आप लोगों को करना क्या है यहाँ से रिस्टोर रिलेशन पर चले जाना है एंड फोटो के अंदर नीचे वाला जो पोर्शन है उसको आप लोगों को रिस्टोर कर लेना है ताकि फोटो देखने में एकदम रियलिस्टिक लगे। और हाँ, हेयर टी शर्ट जहाँ पर से आप लोगों को लगता है काफी सही से कटआउट नहीं हुआ है उधर से फोटो को रिस्टोर एंड कटआउट करके काफी सही से अरेंज कर लेना है ताकि फोटो देखने में एकदम रियलिस्टिक लगे। ओके, सो देखो गाइस इतना काम हो जाने के बाद नीचे के साइड आप लोग स्लाइड करोगे तो आप लोगों को स्टिकर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर आप लोगों को सिंपली टैप कर देना है। अभी टैप करने के बाद इधर से आप लोग कुछ भी सर्च करो, जैसे कि मैं यहाँ से सर्च करने वाला हूँ क्लाउड। तो आप लोग देख पा रहे हो इधर से काफी सारा क्लाउड पीएनजी आ चुका है, सिंपली पीएनजी फोटो के ऊपर टैप करना है और यहाँ से ऐड हो जाएगा। ओके, अभी ऐड करने के बाद देखो गाइस पीएनजी फोटो को सबसे पहले एडजस्ट कर लेना है जहां पर से आप लोग ऐड करना चाहते हो, उसके बाद यहाँ से लेयर रिलेशन पर टैप करना है और पीएनजी फोटो को सेकेंड लेयर के हिसाब से सेट करना है। इससे हमारा जो पीएनजी फोटो रहेगा वो बैकग्राउंड के पीछे के साइड शो करेगा। ठीक है, अभी देख पा रहे हो इधर से आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना है ताकि फोटो देखने में अच्छा लगे। ओके, सो इतना करने के बाद गाइस आप लोगों को उस पीएनजी फोटो को फिर से डुप्लीकेट करके कॉपी कर लेना है और पीएनजी फोटो को सही तरीके से एडजस्ट करके फोटो के अंदर सेट कर लेना है। ऑलराइट गाइस, आप लोग देख पा रही हो अपना जो फोटो है यहाँ पर से पूरा का पूरा बन चुका है। ओके, ऐसे ही फोटो को बना लेने के बाद अभी कलर ग्रेडिंग की बात आती है, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के बाद ही गाइस हमारा फोटो देखने में अच्छा लगेगा। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे गाइस फोटो को सिंपली सेव करेंगे। तो फोटो सेव हो जाने के बाद अभी लाइटरूम एप्लीकेशन को हम लोग करेंगे ऑन। ठीक है, लाइटरूम एप्लीकेशन ऑन करने के बाद फोटो को सिंपली इम्पोर्ट करेंगे एंड फोटो को यहाँ से कलर ग्रेडिंग करेंगे। बाकी आप सभी को पता है कि कैसे कलर ग्रेडिंग होता है, राइट? तो यहाँ से मैं वीडियो को कर लेता हूँ इस स्पीड, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि आगे का प्रोसेसिंग क्या होने वाला है। तो देखो गाइस फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग एडजस्ट वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद अपना जो फोटो है गाइस कुछ इस प्रकार से बना है जो अभी आप लोग स्क्रीन पर देख सकती हो। बाकी इधर से आप लोगों को तीर आइकन पर टैप करना है और फोटो को सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। फोटो को ऐसे ही एक्सपोर्ट कर लेने के बाद सिंपली इलाइट मोशन एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है। बाकी नीचे के साइड टेम्पलेट नाम का जो ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके यहाँ से अपलोड वोल्यूशन पर टैप करना है और जो XML फाइल है गाइस उसको आप लोगों को यहाँ से अपलोड कर देना है। ओके, तो अपलोड ऐसे ही कर लेने के बाद यहाँ से ओके वोल्यूशन पर टैप करना है। बाकी फास्ट बॉक्स के ऊपर टैप करके यहाँ से आप लोगों को उस नॉर्मल फोटो को सबसे पहले ऐड करना है और उसके बाद सेकंड बॉक्स के ऊपर टैप करके यहाँ से एडिट वाले फोटो को ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट वोल्यूशन पर टैप करोगे तो आपका वीडियो यहाँ से बन जाएगा। जैसा कि यहाँ पर से आप लोग देख पा रहे हो अपना जो वीडियो है गाइस यहाँ पर से बन चुका है। इधर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ध्यान से सुनो। फोटो के अलावा बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट करके ये भी बताया था कि वो जो म्यूजिक है गाइस सुनाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ से आप लोग ध्यान से देखो,
करना क्या है आप लोगों को, वो जो म्यूजिक है गाइस उस लेयर को आप लोगों को सिंपली कर देना है डिलीट। अभी डिलीट करने के बाद सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है, देन मीडिया वॉल्यूशन पर टैप करके यहाँ से म्यूजिक को सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ से प्लस आइकन पर टैप करके म्यूजिक को ऐड कर लेना है। बाकी देखो गाइस ऊपर के साथ जो 3 डॉट ऑप्शन है उसके ऊपर टैप करके यहाँ से एक्स्ट्रा ऑडियो और म्यूजिक निकल कर आ जाएगा। बाकी यहाँ से वीडियो को टैप करके सिंपली डिलीट कर देना है। बस इतना कर लेने के बाद जो म्यूजिक है गाइस यहाँ पर से वीडियो के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गाइस आप लोग बिफोर एंड आफ्टर कलर्स पैलेट फोटो को एंड वीडियो को दोनों को ही बना सकती हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो गाइस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।